आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए खुशखबरी है, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आए सीए कशिश गुप्ता जी पक्ष लीगल से। और सर आपकी पूरी महारत हासिल है जीएसटी में। एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा परेशान कर रहा है, एक रूल बड़ा परेशान कर रहा है, रूल है 37A। ये रूल ऐसा मेरा मानना है कि ये अप्लाई तो होगा 31 मार्च के बाद, 31 मार्च 2023 के बाद इसके आउटकम्स आने पता लगेंगे, लेकिन लोगों के अंदर अभी से बहुत भय है, बहुत डर है इस रूल को लेकर कि अगर मेरे सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो मुझे ITC रिवर्स करना पड़ जाएगा एज पर सेक्शन 41 सब सेक्शन 2। तो आपका इसमें क्या कहना है? और एक क्वेश्चन हमें ये भी जानना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे सप्लायर ने उस ट्रांजेक्शन पर टैक्स क्यों नहीं पे किया। एक इसमें मुद्दा ये आ रहा है कि सर जो सितंबर तक अगर उसने टैक्स पे नहीं किया, मतलब कि अगर 22-23 का ITC है, मैंने क्लेम कर लिया और उसने सितंबर 23 तक पे नहीं किया तो वो मुझे नवंबर 23 तक रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसे सितंबर 23 का टाइम क्यों दिया गया है जबकि वो अपनी रिटर्न्स एज पर सेक्शन 39(9) नवंबर तक कमेंट कर सकता है, नवंबर तक दिखा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब मैं अपने सब्सक्राइबर के बिहाफ से आपसे पूछता हूँ सर। सबसे पहले शुक्रिया मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और जैसा आपने इस क्वेश्चन को रेज किया है कि सबके अंदर इसको लेके भय है, हाँ। तो ऐसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ को इग्नोर करके चलो, आपका कोई इससे बेनिफिट नहीं है इस रूल से, मेरा ऐसा मानना है। ओके। इसके लिए मेरे कुछ सवाल है कपिल जी आपसे, जी जी। आपके सब्सक्राइबर इसको आसानी से समझ भी पाएंगे जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये मैंने ना कुछ नोट्स बनाए हैं जी, जी। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि 1 अक्टूबर 2022 से पहले होता क्या था जी। हम लीगली बात करेंगे, लॉ में भी मतलब प्रैक्टिकली भी मोर और लेस ऐसा ही होता था। तो ओरिजिनल स्कीम और लॉ क्या थी सर, कि पहले मेरा वेंडर GST R1 फाइल करेगा, ठीक है, वो ITC कहाँ आएगा, मेरे 2A में, 2A में आएगा जी। ओरिजिनली GST R1 को फाइल करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, नहीं। तो ऐसा सिचुएशन पॉसिबल था कि आप हर महीने की GST R1 फाइल करते जाएं, हाँ। और हर महीने की 3B फाइल करें ना, बिल्कुल। तो आपके बुक्स में सारा ITC आएगा जी, फिर आप उसको अपनी 2 में अवेल करते थे टैक्स को जी, तब भी ये था कि आप सारा का सारा अवेल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं थी। और 3B में जो GST R3 थी उसमें आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन सेक्शन 41 कहता था वो क्रेडिट आपका प्रोविजनल है, पुराना सेक्शन जो था हमारा, हाँ जी, जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले था जी। और वो प्रोविजनल ITC सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस था जो कि रूल्स में दी जाएंगी। अब रूल 69 कहता था कि जो भी ITC आपका प्रोविजनल है उसकी सेक्शन 42 में मैचिंग होगी, ठीक है जी। और जब वो मैचिंग करता था तो वो कहता था कि मैचिंग मैं करूंगा वैलिड रिटर्न से, सही बात है। और वैलिड रिटर्न का क्या मतलब है, जिसमें फुल पेमेंट ऑफ टैक्स हो गई है। तो होता क्या था कि जो लॉ में ओरिजिनली बताया गया था कि आपके यहाँ जो ITC है उसे आप सेल्फ असेस करो, राइट। आपके सेल्फ असेसमेंट की पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप जितना ITC आ रहा है उसे आप सेल्फ असेस करो। लॉ में यह भी लिखा था कि अगर GST R1 में कोई इनवॉइस वेंडर ने नहीं डाला और आपके पास है तो उसको आप GST R2 में मैनुअली ऐड करो। तो आपके सेल्फ असेसमेंट एज पर जुडिशियली सेटल्ड प्रिंसिपल्स थी कि सेल्फ असेसमेंट पे कोई कटेलमेंट नहीं है, आपको अपना बुक्स के हिसाब से जो भी ITC आप सेल्फ असेस करके अवेल करो, राइट। वो सारा ITC प्रोविजनल रहेगा जी। और रोल आता था उस ITC को प्रोविजनल करने के बाद, ठीक है, उस ITC की मैचिंग होगी वैलिड रिटर्न से। तो पोर्टल क्या देखेगा कि इन्होंने इस GST नंबर का ITC लिया है, हाँ। इस GST नंबर की 3B फाइल हो गई है कि नहीं हो गई है, हाँ। उस 3B का मतलब था वैलिड, हाँ। मतलब कि GST R1 इज इक्वल टू GST R3, राइट। तो अगर हो गई है तो वो सारा ITC आपका फाइनल हो जाएगा, अगर नहीं हुई है तो पोर्टल उस डिटेल्स को कम्युनिकेट करेगा और अल्टीमेटली अगर वो टैक्स पे नहीं होता है तो वो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। और फिर उस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को वो कम करेगा जब आपका वैलिड रिटर्न आपका कोरस्पॉन्डिंग सप्लायर फाइल कर देगा, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली होता क्या था कि फाइनल ITC वो था जिसकी GST R1 भी फाइल होगी और जिसका टैक्स भी पे हो गया, राइट। अब रिसेंटली अमेंडमेंट जो 1 जनवरी 2022 से हुई है वो क्या हुई है कि इन्होंने 16(2AA) इंसर्ट किया जो कहता है कि GST R1 फाइल्ड हो और वो GST R2B में कम्युनिकेटेड हो, बिल्कुल ठीक। GST R2B क्या बताता है कि जो ITC आपका 1 में
आ रहा है, आ रहा है। मैं पीरियड को नहीं जाता कि वो वन कब फाइल हुई कब नहीं हुई, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन हो रहा है अब कि अगर आपने पिछले महीने की 3B फाइल नहीं करी तो अगले महीने की 1 फाइल आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब जो ITC आपका 2B में आ रहा है वो क्या है, टैक्स पेड ITC है, सब्जेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ 1 मंथ। बिल्कुल, कि अगर उसमें कोई ऐसा क्रेडिट आ रहा है कि जिसका 3B पेड नहीं है तो वो सिर्फ एक महीने के ही वेंडर का डाटा होगा। अदरवाइज पोर्टल ने वेरी स्मार्टली क्या किया गया है गवर्नमेंट ने इन अमेंडमेंट्स के थ्रू, कि जो ओरिजिनल स्कीम जो अभी हमने शुरू में डिस्कस की है कि 1-2A पूरा सेल्फ असेस करो, सारा ITC प्रोविजनल, फिर उसके बाद मैचिंग होगी और जो टैक्स पेड नहीं हुआ वो आपके लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। बिल्कुल, तो अब उन्होंने क्या किया कि अब 2B में जो ITC आ रहा है वो टैक्स पेड ही आ रहा है, सब्जेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ 1 मंथ। ठीक है, और जो आपका सवाल था कि मुझे पता कैसे लगा कि उसने 3B फाइल क्यों नहीं करी, अब क्यों नहीं करी तो कह नहीं सकते, लेकिन ये डाटा आपके 2B में आता है, एक कॉलम होता है कि वेदर 3B फाइल्ड यस और नो, तो अगर आप उसको नो वाले को हटा देंगे तो आपका टैक्स पेड ITC मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि नो वाले सिचुएशन बहुत कम होंगे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन सब लगा दी गई है GST को फाइल करने में। ठीक है, जितना यहाँ तक हम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि जब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, ये रिपीटेशन हो रही है लोग की, तो फिर क्योंकि जब नया रूल 37A आया, जब ये रिस्ट्रिक्शंस पहले ही लग गई तो फिर इसकी जरूरत क्या थी? वही जैसे मैंने कहा ना, इससे डरने की जरूरत ही नहीं है, इससे कोई बेनिफिट है ही नहीं है। अच्छा, ये अल्टीमेटली उन एक महीने के डाटा को बेनिफिट करेगा। ठीक है, कि जो आपके 3B में 9 आ रहा, 2B में 9 आ रहा है, तो इन्होंने क्या कहा है अब कि आपका जो भी ITC 9 है आपके, देखो ITC की लेने की कंडीशंस है 16(2) में, तो कह रहे हैं 16(2C) की कंडीशन सिर्फ इतनी नहीं है कि टैक्स पे हो जाए, वो सब्जेक्ट टू 41 है। तो अब इन्होंने 41 में क्या लिख दिया जी, अब इन्होंने 41 में रूल लिख दिया 37A, और उसमें लिख दिया कि आप इस कंडीशन को रिलैक्स रखो 30 सितंबर तक। ठीक है, तो वो 30 सितंबर है, 30 नवंबर है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है जी, क्योंकि ये हमारा उस चीज का ITC नहीं है कि जो GSTR1 में नहीं आ रहा वेंडर 30 नवंबर तक अमेंड कर सकता है, ये तो टैक्स पेड का ITC है। ठीक है, तो इन्होंने 30 सितंबर तक की भी लीवरेज दे दी आपको, इंटरेस्ट फ्री, आप ITC एंजॉय करो ऐसा बोला गया है, लेकिन वो एक महीने का कितना कौन एंजॉय करेगा मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक है ना, तो वो 30 सितंबर वर्सेस 30 नवंबर में जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो 30 सितंबर को आप देखेंगे कि आपका कितना ITC 2B में 3B का स्टेटस नो आ रहा है। ओके, ठीक है, तो अगर वो नो आ रहा है तो उसको आपको रिवर्स करना है। ओके, तो ये काम नहीं पड़ जाएगा कि हमारे को अपनी GSTR 2B के अंदर जाकर ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो सप्लायर है जिन्होंने अपनी GSTR 1 तो फाइल कर दी है, हालांकि वो कई महीनों तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, उन्होंने अपनी 1 तो फाइल कर दी है लेकिन 3B फाइल नहीं करी है, वो वाला ITC आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर वो हमारे सप्लायर ने 30 सितंबर तक पे नहीं किया तो वो 30 सितंबर तक जब वो पे कर देगा तो वहां पर नो की जगह यस आ जाएगा 2B में। अगर उसने 3B फाइल कर दी तो यस हो जाएगा, वो फिर यस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2B भी डायनामिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा? ऐसा कहा नहीं जा सकता, शायद मेरे हिसाब से वो 2A में फील्ड आता है तो वो 2A में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप समझ लो कि आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि अगर आपको चेक भी करना पड़ गया 2 सप्लायरों का 4 सप्लायरों का, तो सर ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम, दिक्कत वाला ये इसलिए भी है क्योंकि अगर आपके क्वार्टरली टैक्स पेयर है तो उनका स्टेटस नो ही रहता है। ठीक है, अगर उनका आपका जुलाई का बिल है, अगस्त का बिल है, तो हमेशा नो रहेगा, सितंबर का यस होगा। बिल्कुल, तो आपको ये भी फिल्टर करना पड़ेगा कि ये मेरा क्वार्टरली टैक्स पेयर है। तो ये पोर्टल में कुछ इश्यूज है। अब जैसे इन्होंने बोला कि अगर 1 और 3B में डिफरेंस है तो उसका एक अलग से फॉर्म है, तो अगर ऐसे भी केसेस है तो उसका हमें पता नहीं है, तो हो सकता है उसकी इंक्वायरी भी हमारे पास आए कि आपके इस वेंडर ने 3B तो फाइल कर दी लेकिन वो मैच नहीं है टैक्सेस के। बिल्कुल, तो हम उसमें नहीं जा रहे, हम अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। जी जी, 30 सितंबर वर्सेस 30 नवंबर का ये लो है जी, तो इन्होंने कुछ लीवरेज तो दी है, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए, जो गवर्नमेंट ने बोला गया कि हमने टैक्स फ्री ITC एंजॉय करवा रहे हैं लोगों को, हम ट्रेड को बेनिफिट दे दिया, तो इस रूल को आप रिट्रोस्पेक्टिव कर दो, क्योंकि इस रूल का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक 16(2AA, दैट इज वो ITC आपके GSTR1 में भी आ रहा है ना, और वो ITC आपके 2B में भी आ रहा है, जब तक इस कंडीशन को भी इसके अकॉर्डिंगली आप एक्सटेंड ना कर दे कि आप उसको भी रिवर्स करके रीवेल करें जब वो फाइल कर दे, तब तक इस रूल का कोई बेनिफिट नहीं है एक्सेप्ट वो 1 मंथ की वेरिएशन का, या तो फिर GSTR1 की रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जाए। ओके,
है ना, क्योंकि आप इस अगर रूल 37A को पढ़ोगे तो क्या लिखा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो रूल 37A है इससे ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन वर्किंग आपकी बढ़ सकती है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप पहले से ही प्लान करके रखें। क्या सर ये तो जो अप्लाई होगा मेरे हिसाब से ये अगले सालों में ही अप्लाई होगा, करंट में तो उसको भी डिस्कस करते हैं जी। वेयर ITC इज अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट्स डिटेल ऑफ व्हिच हैव बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन GST R1, तो ये उसको अप्लाई कर रहा है रूल। ये एक एडहॉक रूल नहीं है कि अगर आपका 1B, 2B में भी ITC नहीं आ रहा तो भी अप्लाई करेगा। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि एक बड़ी लिमिटेड इसकी एप्लीकेशन है। ओके, और इसमें एक एरर है। अगर आप देखेंगे इन्होंने लिखा कि 30th सितंबर और 30th नवंबर तक आपको करना है। एंड ऑफ द विच फाइनेंशियल ईयर सर, इन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी की है। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ये लाइन लिख दिया कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनवॉइस हैज बीन अवेल्ड। अगर आपने 23-24 का ITC, सॉरी 22-23 का ITC 23-24 में अवेल किया है, तो ये 30 मार्च 2023 है या 30 मार्च 2024 है, ये कन्फ्यूजन कर दिया। तो ये इन्होंने कन्फ्यूजन कर दिया, तो इसको थोड़ा अमेंडमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या 16(4) का टाइम लिमिट एप्लीकेबल है रीअवेलमेंट पे? नहीं। तो ये एक बेनिफिट है। हाँ। क्योंकि जब मैंने ओरिजिनल स्कीम आपसे डिस्कस की थी, वो ओरिजिनल स्कीम तो GST R1 की मैचिंग से ही बेस्ड था। तब उसमें 42 सबसेक्शन 7 में लिखा था कि 39(9) की टाइम लिमिट में सब कुछ हो जाना चाहिए, वैलिड रिटर्न इस दिन तक फाइल हो जानी चाहिए, तब एक कैपिंग थी। लेकिन अब ये कैपिंग नहीं है। बिल्कुल जी। तो लेकिन ये कैपिंग नहीं है, वही बेनिफिट भी कितना है, ये एक मंथ के डाटा का। अगर कोई ऐसा वेंडर है जिसने अपनी 3B 1.5 साल तक फाइल ना की हो, ऐसा कोई एक वेंडर होगा, उसको ये रूल अप्लाई करेगा। राइट। अब आप एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे कि ये किस ईयर को अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले जैसा हमने बिगिनिंग में ही डिस्कस किया है, ये जो रूल है ये 41 में आया है, और सेक्शन 41 आपका कब से इफेक्टिव है? 1 अक्टूबर 2022 से। तो सबसे पहले तो ये अक्टूबर ऑनवर्ड जो ITC क्लेम हो रहा है, ये 22-23 के भी सिर्फ 6 महीनों पे लगेगा लो। ठीक है, क्योंकि उससे 6 महीने पहले तो लो डिफरेंट था। राइट। और ये लो अब लगेगा 6 महीने पे। ठीक है, तो इसकी सिर्फ सेकेंड हाफ ईयर में ही एप्लीकेबिलिटी है। फर्स्ट हाफ ईयर में जो सेक्शन 41 था ना, बिल्कुल उसको हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें हम आर्ग्यू करते हैं कि रूल 69 जो था, जो मैचिंग की बात करता था, वो कहता था कि मैचिंग इज को एक्सटेंसिव विद द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ 1 और 2। राइट। तो इसका मतलब है कि GST R1 तो मेरी एक दिन से एक्सटेंड हुई थी, लेकिन GST R2 मेरी अभी तक अबैंडन ही हो गई थी। और वो 1 जनवरी 2021 को स्टैट्यूट की पेपर बुक में से हटा दी गई थी। जरा मैं डेट कंफर्म कर दूं। हाँ जी, 1 जनवरी 2021 को तो GST R2 मेरी स्टैट्यूट की पेपर बुक में से ही रिमूव कर दी थी। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ओरिजिनल लो है, सब्जेक्ट टू 41 टैक्स शुड बी पेड, तो वो सब्जेक्ट टू 41 का जो मशीनरी प्रोविजन है वो लॉ में है ही नहीं। तो 1 अक्टूबर 2022 तक हम लीगली ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर आपका ITC उसका टैक्स पेड नहीं है तो भी वो क्रेडिट आपको मिलेगा। बिल्कुल। राइट राइट। और अब जो पोजीशन ऑफ लॉ इन्होंने बना दी गई है वो ओरिजिनल स्कीम ही है, तो इसका ज्यादा बेनिफिट मैं देखता नहीं हूं अनलेस ये सिमिलर एक्सटेंशन 16(2AA) पर भी लगा दी जाए। बिल्कुल। और 16(2BA) पर भी लगा दीजिए। तो अगर मैं इसे समराइज करें तो समराइज में रूल 37A जो अप्लाई होगा वो 1 अक्टूबर 2022 से होगा। हाँ जी। उसके बाद क्या ITC पर अप्लाई होगा? तो अगर आपका कोई सप्लायर अपना टैक्स पे नहीं करता है तो वो आपको पता लगेगा 2B 2A से, जहाँ पर 3B का स्टेटस नो होता है। इसके अलावा तीसरी चीज कि ये जो सारी चीज़ें होगी वो 1 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं होगी, तो इसलिए आपको ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि लॉ में अदर जगह पर ऐसे प्रोविजन लगाए हुए हैं कि आप 1 से ज़्यादा महीने इस तरह का गोलमाल कर ही नहीं सकते। तो सर ये इनसाइट्स देने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर ये वाला जो पूरा लॉ है ना, हमने अपनी मैगजीन में इस बार की में डाल दिया है, और आप लोगों ने डिस्काउंट का बेनिफिट ले लिया होगा। अगर आपने डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप अभी भी डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं हमारी टीम से बात करके। तो इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना डीप नॉलेज दी, क्योंकि ये वाली नॉलेज बहुत सारे चैनल्स पे नहीं है।
तो हमारे सब्सक्राइबर को इस टॉपिक पर कई बार नॉलेज मिल गई है, डीप नॉलेज मिल गई है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।